नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए रीजनिंग का सेट लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रीजनिंग जो आपकी परीक्षा के अंदर जो बार बार पूछे जाते हैं, उस रीजनिंग के प्रश्नों का हम एनालिसिस आपके साथ में करने वाले हैं और जो आपकी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और जो बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न, और ये रेलवे के अंदर बहुत बार सवाल पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करूँगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स जरूर करें। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, क्या इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी 100% दोस्तों। देखिए, और पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें 9461041363 के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी कूट भाषा में, देखिए ई डी आई टी आई ओ को लिख रहा है तो इसको क्या लिखेगा दोस्तों? क्वेश्चंस कहते हैं हम 20-20 क्वेश्चंस करेंगे और सभी प्रश्न रिपीट प्रश्न है। देखिए, ई का कोड क्या है? 3। डी का कोड क्या है? 8। आई का कोड क्या है? 9। और वापस आई का कोड क्या आ रहा है? 9। तो अब देखेंगे टी का कोड। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्न होता है, इन प्रश्नों को यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। टी, तो टी देखिए पीछे से 3 अक्षर छोड़ दीजिए, तो टी का कोड क्या हो गया? टी का कोड क्या हो गया? 1। टी का कोड क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद में आई का कोड 9। आई का कोड क्या है? 9। डी का कोड क्या है? 8। और ई का कोड क्या है? 3। तो देखिए 983 किस में आ रहा है? तो 983 आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका राइट आंसर है। क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पासे आपके सामने दे रखे हैं, इन दोनों पासों में पूछा किया गया है 3 की विपरीत क्या है? 3 की विपरीत क्या है दोस्तों? ऐसे प्रश्न होते हैं इनमें जो संख्या सेम क्या, देखिए 4 4, तो ले लीजिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। अब घड़ी की दिशा में चलना है, तो देखिए 4 के बाद में 2 2 और 2 के बाद में 1, तो ये 1। अब इसका देखिए 4 4 के बाद में 4 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 5, तो ये 5। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, तो यहाँ क्या बचा? 6। अब पूछा क्या गया है कि 3 के विपरीत, तो दोस्तों 3 के विपरीत, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? यस, 3 का विपरीत क्या है? 2। तो 3 का विपरीत क्या है? 2 आपका राइट आंसर है। क्या है? 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर लुप्त संख्या दे रखी है, उनको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं प्रश्न और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छे प्रश्न। चलिए देखिए, देखिए 12 इंटू 15। अब देख लेते हैं 12 इंटू 15। 15 इंटू 15 2 3, संसल की 3 और 15 और 3 18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ सॉल्यूशन आपके सामने हो रहा है। अब देखिए 180 माइनस 5 कितने हो रहे हैं? 175। अब इसमें देखेंगे, अब इसको देखें 17 इंटू 14 लेते हैं, तो इसका तो मैं 7 करूँगा और इसका मैं 34 करूँगा, तो मैं गुणा करूँगा 28 28, हंसल लगी 2 और 7 3 21 7 3 21 22 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 238 हो जाएंगे। अब 238 में मैं 5 लेस करता हूँ, 238 में मैं 5 लेस करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा? तो मैं 5 लेस करूँगा तो मेरे पास में कुल क्या आएगा? 233। तो ये 233 किसके अंदर है? तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, दी गई विकल्पों में से संबंध, देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द, देखिए संबंध कौन कौन से, देखिए दाब का मतलब होता है पास्कल, ये क्या है? दाब का, दाब मापने की इकाई पास्कल,
ताप मापने की इकाई क्या है? पास्कल। तो दोस्तों इस रेडियम, रेडियम का मतलब क्या होता है? कौन। रेडियम मापने की इकाई क्या है? इकाई क्या है? इकाई कौन सी होगी? कौन आपकी राइट आंसर होगी। क्या हो गया? कौन। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक पंक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? एक पंक्ति दे रखी है, ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे। तो एक पंक्ति कैसी भी पंक्ति हो सकती है। अब देखिए पंक्ति के अंदर बैठे हैं और उसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है, एस तथा जेड मध्य में। एस तथा जेड क्या है? मध्यम के अंदर है। यस। उसके बाद देखेंगे ए तथा पी दोनों सिरों पर है। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए जल्दी से इस प्रश्न का, देखिए कितने हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए तीन तीन छः, तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, तो यहाँ पर ये छः हो गए। हो गए छः। अब देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः हो गए। अब देखिए एस और क्या पूछा है कि एस और जेड। तो दोस्तों अगर मैं बीच में बैठता हूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ एस और यहाँ लिखता हूँ मैं जेड। यस। अब देखेंगे पी और, अब ए को मैं यहाँ लिखता हूँ, पी को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए ए के बाएं और आर है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना ए, अगर यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो दोस्तों ए का बाया। तो दोस्तों ये पी है, पी का ये तो क्या हो जाएगा आपका दाया और ये हो जाएगा बाया। लेकिन पूछा ए, तो ए का यहाँ क्या हो जाएगा? तो आपका ए कहाँ आएगा? तो ए आपका कहाँ आएगा? सबसे पहले पी की जगह ए आएगा। जो आप है पी, पी की जगह क्या आएगा? ए। तो इसका देखिए यहाँ आ जाएगा पी और यहाँ आ जाएगा आपका सॉरी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा पी। अब पी ए के दाएं और है, ए के दाएं और कौन बैठा है? आर। अब देखिए अब पूछा क्या है? पी के दाएं। तो दोस्तों पी के दाएं पीछे अक्षर कौन सा बचा है? पीछे अक्षर बटा है ए आ गया आपका, पी आ गया, आर आ गया, एक्स क्या आएगा? एक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? एक्स आपका राइट आंसर। यस एक्स। चल देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चुने अलग कौन सा है? देखिए अलग तीन तो एक है, देखिए सेव केला और नारंगी ये सभी क्या है? फल। लेकिन गोभी क्या है? सब्जी। क्या है? सब्जी। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी बार परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, इन प्रश्नों को समझना है उत्तर भी देना है। अजीत उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चला। तो दोस्तों यहां पर ए अजीत हैं और अजीत उत्तर की ओर मुंह चल के कितना चला? 20 किलोमीटर चला। फिर वो दाएं घूमता है। अब दोस्तों अजीत के बारे में पूछा गया है और अजीत फिर कहां घूमता है? तो भाई ये देखिए अजीत चला गया यहां पर 20 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। देखिए यहां पर इसका यहां लंब डाल दीजिए और यहां देख लीजिए उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कहां से होगा? तो उत्तर पूर्व ये चलेगा, उत्तर और पूर्व। कितना चला? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। अब देखिए फिर वो अपनी दाएं ओर घूमता है। अब दोस्तों इस यहां से दाएं ओर ये होगा, ये दाएं ओर घूमता है, कितना चलता है? 20 किलोमीटर। फिर अपनी दाएं ओर घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से यहाँ से देखिए ये तो आपकी लंबाई होगी, ये यहाँ आया, फिर यहाँ से देखेंगे ये यहाँ से चला 20 चला। कितना चला? 20 चला। अब देखिए फिर दाएं ओर घूमता है, फिर यहाँ से दाएं ओर घूमता है, तो ये आपका दाएं ओर यहाँ से, ये यहाँ से कितना चला? 20 चला। अब बताओ अब अजीत का मुंह किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों ये जो इसका जो मुख है, ये जो मुख की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसका मुंह बात कर रहा हूँ, तो ये मुख किस दिशा की ओर है? ये आपका ये दिशा होगी, ये दिशा। ये दिशा कौन सी है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आपका उत्तर वाला, ये पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर
पश्चिम क्या बोलते हैं, क्या होगा उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर है। उत्तर पश्चिम बिल्कुल आपका राइट आंसर, उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर है। अब लुप्त संख्या, एक संख्या दे रखी है, इसमें लुप्त संख्या क्या, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ऐसे प्रश्न है। देखिए इसको कर लीजिए इनटू कर लीजिए, इनको करेंगे 12 × 4 या 192 में 12 का भाग देना है फिर 4 का भाग देना है। यस 12 का भाग पहले एक बार चला जाएगा, एक बार चला गया 12 का भाग एक बार, और बार छंग वो था 16 बार चला गया। अब ये 4 का भाग इसमें दे दीजिए, क्या आ जाएगा, यस 4। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ध्यान में रखना है। बालक अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 मीटर पूरब की ओर चलता है, तो ये अपने पापा को जो ढूंढने के लिए 90 मीटर चलता है, यस पूरब की ओर चलता है, यहाँ इनका प्रारंभिक स्थान। फिर देखेंगे पूरब की ओर जाकर दाएं मुड़ता है, दाएं तो ये दाएं मुड़ा नीचे की ओर, तो दाएं ये 20 हो गया, क्या होगा दाएं की ओर चलेगा तो दाएं कितना होगा 20 हो गया। अब पूछा क्या गया है, फिर दाएं चला, अब इसका फिर से दाया कौन सा होगा, तो फिर दाया यही फिर से दाया है, फिर दाया और कितना चला, देखिए फिर से दाया घुमा और देखिए यहाँ से चला यहाँ तक कितना चला 30 किलोमीटर चला और अपने चाचा के घर आ गया, तो यहाँ पर चाचा का घर आ गया, उनके पिता नहीं मिले और फिर वहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर गया, कितना 100, तो दोस्तों यहाँ से उत्तर की ओर चला, ये उत्तर की ओर कितना चला 100, तो उत्तर दिशा में चलकर उसे अपने पिता एक गली में मिले, और जो यहाँ पर एक गली थी उस गली में उनके पिता मिल गए। प्रारंभ से स्थान पूछा गया, तो दोस्तों ये जो आपकी लंबाई है ये कितनी है, तो ये भी 20 हो गई, ये आपकी कितनी है, ये 30 हो गई। अब देखिए यहाँ से लेकर जो ये यहाँ से लेकर ये जो दूरी है ये पूछी है आपसे, यस ये जो दूरी है ये दूरी आपसे पूछी है। अब देखिए ये पूरी कितनी है, पहले 90 में से आपके 30 चले गए, कितने बचे 60 बचे, 100 में से 20 चले गए 80 बचे, क्या बचे 80, यस। तो अब इसका क्या होगा, कर्ण हम ज्ञात करेंगे, ये कर्ण है, कर्ण हम ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्कोर क्या होता है 60 का स्कोर प्लस 80 का स्कोर, कर्ण का भी क्या होगा स्कोर। तो हम देखिए इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या है, 0 से 0 पहले ही कट कर लेते हैं, तो देखिए 6 का 36 प्लस 8 का 64, तो इसका क्या हो जाएगा 100, और 100 का क्या होगा, देखिए हमने 0 से 0 पहले काट लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 मीटर, क्या होगा 100 मीटर। अगर 0 से 0 हम करते ये यहाँ से, तो कर्ण यहाँ से हटेगा, कर्ण यहाँ से हटेगा और यहाँ पर कर्ण लग जाता, तो यहाँ पर कितना हो जा 100, क्या होगा 100, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7:56 समानुपात 6, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स करना है, क्या करना है कमेंट्स, यस कमेंट्स करें। अब देखिए इसमें चावल है अनाज, तो दोस्तों दोनों क्या है अनाज के अंदर आएंगे, तो देखिए दोनों अनाज के अंदर आएंगे, उसके बाद में आपके जो चावल अलग हो गया और गेहूं अलग हो गया, तो ये राइट हो गया। अगला देखिए, अगला समीकरण बहुत अच्छा समीकरण है ये भी, इसमें करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न और चिन्ह को चेंज करना है, केवल प्रश्न और संख्याओं को चेंज करना, तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा, इसमें केवल चिन्ह चेंज करने। तो इसमें देखिए अगर मैं विकल्प सबसे पहले डी ले लेता हूँ, या तो आपको 1 से शुरू करना है या डी एस सी, तो मैं देखिए 16 − 4 × 3 भाग 4 बराबर 13, तो देखिए 3 से 3 कट गए, एक बार चला गया यहाँ पर 3 का भाग, इसमें 3 × 3 − 16 तो कितना हो रहा है 13, और ये भी 13, तो ये हो गया राइट आंसर। ये तो आपको शुरू से लेना है या नीचे से शुरू करना है, यस क्लियर है, समझ में आ गया 13। देखिए अधिक भारी सिक्के क्या है,
अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन से भारी है, क्या है? राम का सिक्का मोहन से भारी है, मोहन से भारी। तो देखिए मोहन से भारी, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए राम का सिक्का, तो यहां आपका आएगा राम और राम का मोहन, बीच में आ सकता है, बीच में या कोई भी आ सकता है। यस, सिक्के की मैं बात कर रहा हूं, मोहन से भारी, मोहन से भारी। अब देखेंगे रमेश के सिक्के, अब देखिए और रमेश के सिक्के से भारी मूल्यवान है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बीच के अंदर रमेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर रमेश, तो इसका बनेगा राम, रमेश और मोहन, ये बनेगा। अब आगे देखिए नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान, बिल्कुल अधिक मूल्यवान, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। तो योगेश, योगेश के सिक्के से हल्का है, तीर वही रहेगा और नरेश यहाँ आ जाएगा और नरेश का तीर क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है इस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले आएगा योगेश, फिर आएगा नरेश, फिर आएगा राम, रमेश और मोहन। सबसे मूल्यवान मूल्य किसका, सबसे मूल्यवान, तो सबसे मूल्यवान किसका है, योगेश का, किसका है, योगेश। अगला देखिए, चलिए 6-12 इसका अभी आंसर है, ये भी कमेंट में करें, अच्छा क्वेश्चन से इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में करें, अगर इसका भी कमेंट करें, कमेंट कमेंट्स करें प्रश्न, और समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फटाफट से। अब देखिए ये प्रश्न तो अच्छा ही है, कुछ समझने का तरीका अलग है, लेकिन समझना आपको, प्रश्न क्या कह रहा है कि आरेख में उन लोगों को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा है। अब केवल एक भाषा, तो ए आई जे के हो गया, आई जे के एक ही भाषा है, बाकी एम बी डबल हो रहा है, ओ बी डबल हो रहा है, तो यस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न और अच्छे प्रश्नों के अच्छे उत्तर। मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान पर सुबह 8:30 15 मिनट पहले, अब देखो इसका जो वर्तमान का टाइम है 8:30 यस, ये ध्यान रखना कितना। अब देखेंगे, अब पूछा 15 मिनट देरी चल रहा है, तो 15 मिनट देरी से चलेगा, तो दोस्तों 15 इनमें से माइनस कर लीजिए, 15 माइनस करेंगे तो 8:15 पहले पहुंच जाने के लिए जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया, तब क्या बोला है, 40 मिनट देरी से आया, तो दोस्तों जो 40 मिनट देरी से आया और आधे घंटे पूर्व पहुंच गया, तो आधे घंटे पूर्व पहुंच गया, बहुत अच्छा प्रश्न। आप देखिए इसमें ये 40 नहीं है, इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पर 40 आपका नहीं है, देखिए 40, अब यहाँ पर 40 है और आधा घंटा पूर्व, तो 30 हो गए, पीछे कितने बचे, 10 मिनट बचे, कितने मिनट बचे, आधा घंटा है, बिल्कुल देखिए, देखिए 40 है, 40 पूछा है, यहाँ पर 40 है, उसके बाद देखिए पूर्व पहुँचा है, तो आधा घंटा पीछे कितना, 10, तो यहाँ पर 10 और माइनस कर लीजिए, तो 8:05 क्या होगा, 8:05 तो इसका राइट आंसर क्या है, 8:05 क्या है, 8:05 समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यस। अगला देखिए, देखिए इसमें सार्थक क्रम में जमाना है, सबसे पहले उसके बाद में पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे, न्यू के बाद में हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ये दो, निर्माण के बाद में क्या करेंगे, प्लस्तर करेंगे, और प्लस्तर के बाद में हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे, तो इसका देखिए सबसे पहले एक, उसके बाद में तीन, उसके बाद में दो, उसके बाद में चार, ये किसके अंदर है, यस 13-24, तो 13-24 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये भी प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो अक्षर में नहीं है, क्या है, शब्द नहीं है, तो देख लीजिए कौन कौन से, देखिए नहीं है,
इसमें दोस्तों सीधा देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए इसमें, देखिए और ये देखिए इसमें जी नहीं है, क्या नहीं है जी, इसके अंदर जी नहीं है। अगला देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है, कौन सा वार है? शुक्रवार, कोई बात नहीं, 1 जनवरी को हम ले लेते हैं शुक्रवार। तो किस अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख कौन से दिन की, अधिवर्ष की बात करते हैं, जनवरी को शुक्रवार। तो दोस्तों जैसे जनवरी है, जनवरी का 31 होता है, 31 में से एक गए पीछे, कितने बचे? 30 बचे, और 30 में यहाँ शेष फल कितने बचे, इसमें मैं 7 का भाग दूंगा तो 2 शेष फल बचे। उसके बाद अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, फरवरी, फरवरी कितने महीने की होगी, अधिवर्ष का मतलब होगा था फरवरी 29 की, तो प्लस यहाँ पर एक हो गया, तो यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर दो। देखिए शुक्र के बाद में शनि, रवि, सोम, सोम, लेकिन 1 मार्च का पूछा, प्लस एक ये हो गया तो मंगलवार, 1 मार्च तो क्या होगा, मंगलवार, कौन सा वार होगा, मंगलवार। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है कि फरवरी आपकी कितनी है, 29 की है, कितनी है, 29 की, फरवरी किसकी है, 29 की है। अब यहाँ पर हमारी ये कौन सी है, जनवरी, और ये हमारी जो फरवरी है, देखिए यहाँ 30 जो फरवरी है, फरवरी हमारी कितनी की हो जाएगी, 29 की फरवरी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस आकृति को पलटना है और इस आकृति के पलटवार से उत्तर बताना है। आज का अंतिम प्रश्न, इस आकृति का पैटेंट करना, पूरा आकृति करनी, देख लेते हैं इसकी आकृति का पैटेंट क्या होगा और ये आकृति पूरी कैसे बनेगी। देखिए ये आपका होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखिए तो इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रेलवे मजबूत करना है तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।